अंदर क्या हमको फिर एक ग्रुप बनाना चाहिए, ये भी एक मसला आता है। क्या हम एक ग्रुप बनाएं, उसका नाम रखें? देखिए, ग्रुप अगर कोई बनाता है, ये जमात बनाता है किसी काम के लिए, ताकि एक तंजीम वो मिल के काम करे, तो वो वहाँ तक तो सही है कि उसके हिसाब से वो काम करे। कि उन्होंने नाम रख लिया कि हमारी एक जमात का इनाम होगा और हम ये काम करेंगे, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो उसी को और उसको उनके ही जिनने उनको बनाया है और उनके ही जो उलमा इकराम गुजरे हैं और उन्हीं की बातों को अगर पकड़ कर बैठ जाते हैं, तो फिर वो सही दलील आने के बाद भी नहीं मानते, तो फिर वो गुमराह हो जाते हैं। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पर होती है कि उन्होंने जमातें बनाई अच्छे कामों के लिए, खैर के कामों के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए बनाई, ताकि कि ग्रुप में रहो। कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया भी जमात में रहो, ताकि जमात में एक रहने से, ग्रुप में रहने से आदमी बिखरता नहीं है, जाता नहीं है, एक पर्टिकुलर लोगों के साथ में वो रहता है, तो उसके लिए बनाया। लेकिन वो एक इतनी हद तक पहुंच गया कि वो फिरके हो गए और उसकी वजह से इख्तलाफात उनके अंदर पड़ गए। तो आम तौर पर तो ये है कि अगर क्या नाम दिया जाए फिर, क्योंकि आजकल लोगों को बुला पहचान बताई जाए तो वो पहचान ऐसे ही बताते हैं, बोले हम जो है बरेलवी हैं, हम तबलीगी जमात से हैं, हम देवबंदी हैं, हम जमात इस्लामी हैं, हम अहले हदीस हैं, तो ये सब अपने अपने नाम। लेकिन सिर्फ पहचान के लिए है तो ठीक है कि एक पहचान के लिए हो, लेकिन आम तौर पर इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती है। क्या आपको ज़रूरत नहीं बताने की, क्योंकि सब मुसलमान हैं, कुरान के अंदर भी अल्लाह ने ये कहा कि हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। तो कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आम तौर पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ तक तो वो ठीक है। और अब किसके तरीके पर चले, तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं कि कई अहलुल राय भी आए हैं, कई लोग मंतिक से, कई सूफ़ी आए हैं, उन्होंने अपने तरीके बताए हैं। और अब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उस तरीके में से, इन सारे तरीक़ों में से ढूंढें उस तरीके को जिस पे जो है कामयाबी है, फला है, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लम के हदीसों में हमको मिलता है, उस तरीके को ढूँढें। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि वो तरीका सहाबा का तरीका है, कि सहाबा का तरीका ढूँढें। तो नहीं तो अब जैसे यह कुरान में अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि दावे तो सब करते हैं, सारे लोग दावे कर रहे हैं कि हम हक पर हैं, लेकिन यह कुरान में अल्लाह ने यह फरमाया सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कि वमा युमिनू अक्सर हम बिल्लाही इला वहम मुशरिकून, के लोग जो ये लोग जो हैं कि किस तरीके पर, तो ये है यहाँ पर मैं कि अक्सर लोग ईमान का दावा करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो शिर्क पर है। तो अक्सर लोग तो दावा सारे के सारे जमाते सारे कुछ सब लोग ईमान का दावा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने यह कह दिया कि अक्सर लोग शिर्क पर हैं जो दावा तो ईमान का करते हैं। और इसी तरह जो सूरह रूम में फरमाया, सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 31-32 में फरमाया अल्लाह ने कि मुशरिकों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मुशरिकों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो खुद टुकड़े टुकड़े हो गए, और हर गिरोह जो उसके पास है वो उसमें मग्न है, वो उसके अंदर मग्न है कि हमारे पास है वही हक है और वही सच है, और उसके अंदर मुतमईन होकर वो बैठा हुआ है, यानी इन्होंने टुकड़े कर दिए दीन के। तो आज फिरकाबंदी जो है इसकी वजह है कि फिरकाबंदी जो बन गई है, और इसके अंदर किसी ने दीन को इतना आसान कर लिया कि उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। जो तल्लाक इतनी टिपिकल थी जो इस्लाम ने दी थी, और उस तरीके से अगर कोई देता तो ज़िंदगी भर तलाक ही नहीं ले पाता, लेकिन उसने इतना आसान कर लिया कि बोल दिया तो चलो जाओ घर, हो गया फैसला, इतना आसान कर दिया किसी ने, इतना आसान उसको कर दिया। और किसी ने जो है इसको इतना सख्त कर दिया कि उसने कह दिया कि इतना ये बाल से ज़्यादा बारीक है, इस पर चलना ही मुश्किल है, इतना सारा मसला है तो इस पर अमल नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर इफराद और तफरीद के शिकार लोग हुए हैं, और किसी ने आसान और किसी ने इसको इंतहाई जो है सख्त कर लिया।